बहुत मिस किया मैंने ये माहौल को, इन लोगों को। अच्छा लग रहा है आज के ये लोग मेरे लिए आज भी खड़े हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी बात को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, क्योंकि सच बोलने की आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आपके अपने लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। सच कोई सुनना नहीं चाहता है। सच बोला तो आपको प्रॉब्लम होगी और 100% होगी। जो भी हुई 26 महीने मैंने जो अपनी फैमिली के बिना, मतलब मेरे बेटे के बिना, मेरी बीवी, मेरे फादर इतने बीमार थे, मेरी सारी बहनें, मेरा पूरा घर 26 महीने ऐसा लगा वो भी जेल में है, लेकिन मेरे पास अल्लाह ताला का ऐसा करम था कि मैंने अपने आप को संभाला अंदर, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बीवी, मेरे वालिद साहब के लिए, उनके लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी था। तो मैं उस हालात से लड़ा, मतलब 400 लोगों में 3 टॉयलेट, जो टॉयलेट हमेशा भरे रहते थे। मैंने एक एक छोटी चीज़ की कदर भी सीखी वहाँ पे। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने और डीप हर चीज़ों को जाना। कहते हैं ना, जब तुम अपने साथ वक्त बिताते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसी तरह मैंने जब अकेले उन प्रिजनर के साथ, वो गैंगस्टरों के साथ अंदर वक्त बिताया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। एक कांदे की कीमत मुझे पता चल गई कि कांदे की वैल्यू क्या होती है। रोटी जो घर में हम बन के आती थी तो बोलते थे घी कम लगाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा लगा तो रोटी थोड़ी जल गई है। सूखी रोटी, पत्थर के जैसे चावल। तो आज मेरे सामने, पहले मैं ऐसा सोचता था अरे डाइट फूड लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करके लाओ। आज मेरे सामने अगर कोई सूखी रोटी और कांदा रख दे ना, मैं उसको शौक से खा लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अपनी फैमिली की वैल्यू और थी, लेकिन और हो गई। मुझे ये पता चल गया, देखो बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब बुरा वक्त आता है ना तो अपनों में से गैर और गैरों में से तुम्हें अपने मिल जाते हैं। तुम्हें पता चलता है तुम्हारे साथ कौन कौन लोग खड़े हैं। ये मुश्किलें लाख गुजर जाए मैं मंजिलों से लड़ जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और कहां है वो लोग जो कहते थे, कहां है जो लोग जो कहते थे कि तेरे लिए मैं राह में बिखर जाऊंगा। तो कुछ गैरों में से मुझे अपने दोस्त मिले और कुछ दोस्तों में से गैर मिल गए। जब बुरा वक्त आता है तो तुम्हारा साया भी साथ छोड़ देता है, और मैंने उसको महसूस किया है, उसको फील किया है। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था और कई गैरों ने मेरा साथ दे दिया, लेकिन खैर यही ज़िंदगी है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं, आपने देखा होगा मेरे एटीट्यूड में, मुझसे ज़्यादा और आप लोगों से ज़्यादा मुझे कौन जानता है। एक चेंज, एक ठहराव मेरे अंदर आ गया और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। क्या जुड़ता है आपके, मतलब किस लिए आप जेल गए थे? किस लिए जेल गया था मैं, वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किस लिए जेल गया था, पर मैं जेल गया था। और कैन आई हैव अ टॉवल और समथिंग? अलम टॉवल देना।
रुपया का